किसी एक बंदे के घर पे वो सोचना एक दफा कि नबी अलैहिस्सलाम ने घर की बेल दे दी, एक मुसलमान इस काबिल नहीं है कि उस घर के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी को बर्दाश्त भी कर सके। शर्मिंदगी एक एक इंच के ऊपर होनी है कि मैं दुनिया में कर क्या रहा हूं, उस वक्त किस किस किस्म की मार्बल की टाइलें लगा रहा हूं, किस किस किस्म के हमने एसी और किस किस्म के एलसीडीज और एलईडीज लगाई हुई और PS4 और एक्सबॉक्स, बेगमात की लिस्ट अलग है और शोहरों की लिस्ट अलग है, सब मटेरियल के नशे में बैठे हुए और सोच रहे हैं कि हम रेडी टू गो टू कबर, रेडी टू गो टू जन्ना बैठे हुए हैं। एक बंदा इस काबिल नहीं है कि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में एक मिनट के लिए भी बिठा सके। ऐसा ऐसा VIP हज हो रहा है जो उलमाए कराम करते हैं, 22 लाख रुपए का हज होता है, 10 दिन देते हैं तो 18 AC लगे होते हैं। ये मैं पाकिस्तानी उलमा की बात कर रहा हूं। सोचे जरा, नबी अलैहिस्सलाम 8 किलोमीटर महाद के साथ पैदल गए हैं, जहां से अभी भी जहां पे बसें चलती हैं, आज में अपनी बीवियों के साथ पैदल चल रहे हैं 8 किलोमीटर, और वो भी उस गर्मी में उस वक्त। ये एडिक्शन नहीं है, ये हसूल नहीं, मटेरियलिज्म नहीं, तो और क्या है? हज करने भी जाएंगे तो नखरे के साथ जाएंगे, मतलब जिस एक जगह पे जो अल्लाह का घर है वहां पहुंचने के लिए भी हमने अपनी मर्जियां रखी हुई। हर बंदे के पास कोई ना कोई बहाना कि मेरे जोड़ों में दर्द है, तो मेरी उम्र हो गई है, मुझे स्किन एलर्जी है, तो मैं तेरी क्या है वो, जैसे कि अल्लाह ने सारे सेहतमंद लोग पैदा किए थे 1400 साल पहले और अब बीमार पैदा करना शुरू कर दिया अल्लाह। उन लोगों को जैसे कोई मसला ही नहीं था कभी, जो 30 साल से ऊपर हो जाता था ना 1400 साल पहले, तो अपने आप को बूढ़ा समझता था, अय्याश समझता था कि कितनी उम्र गुजार ली यार इसने। ये दीज पीपल आज जो इस जमाने में है, जो 90-100 साल गुजारे तो उसके बाद भी कहते हैं कि यार अभी मरने की बात, अभी ना मरने की बात करो। ये हालात हो चुके हैं कि वी एक्चुअली थिंक कि हम उस स्टेटस के ऊपर कंपेयर किए जा रहे हैं। अब इस पूरे के पूरे तमहीद जो मैंने पूरी बांधी है, उसके अंदर आप एक मियां और एक बीवी को उठा के रखें, तो तब आपको पता चलेगा कि ना बीवी इस काबिल है कि वो शादी और वो भी बच्चों जैसे इंस्टीट्यूट को चला सके, ना शोहर इस काबिल है। इसीलिए तो मैं करोड़ दफा बोल चुका हूं कि कौम अम्मी और अब्बू ने तबाह की है, इमरान खान नवाज शरीफ ने नहीं की, ये MBS ने नहीं की, कोई सिस्टम कुछ नहीं होता, सिर्फ एक माँ होती है और एक बाप होता है, दो डोपामिन एडिक्ट इकट्ठे होते हैं, पूरी के पूरे प्लैनेट अर्थ के धुएं निकल जाते हैं। प्लैनेट अर्थ इस काबिल नहीं है कि वो एक लखपति का बोझ उठा सके, इतनी डिमांड होती है एक लखपति की, इतना बड़ा ट्री है एक लखपति के नीचे डिमांड लिस्ट का। हम क्या कर रहे हैं इधर, अरब लोग बैठे हुए हैं अरबपति बनने के लिए, किसी भी लेवल के ऊपर आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते, जब तक आप देंगे नहीं आप सेटिस्फाई नहीं होंगे।